मॉर्निंग, स्वागत करते हैं मेरे नया ब्लॉग वीडियो पर। तो आज का नया ब्लॉग वीडियो में क्या आप लोगों को दिखाएंगे, आज एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग दिखाएंगे जिसमें से जमशेदपुर रीगल मैदान में जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, उसी को दिखाएंगे क्या लगा है क्या नहीं, आप लोगों को भी दिखाएंगे हम भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, डायरेक्ट वहीं पर शुरू करेंगे। और मेरा स्कूटी, इससे हम जाएंगे, हम अकेले ही जा रहे हैं, मेरे बच्चे को नहीं लेके जा रहे हैं, उसका भी ट्यूशन है। तो यहाँ से एंट्री वाला गेट है, इस तरह का सजाया गया है, अंदर घुसते हैं क्या क्या है उसको थोड़ा दिखाएंगे। एंट्री टर्न, मेरे सामने जस्ट सोफा का भंडार है, ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रहा है, ये भी अवेलेबल है, ये पूरा लकड़ी का है। तो ये बाहर में ही लगा हुआ है, जैसे आप लोग इंटर करेंगे उसी में सब ये कप सेट वगैरह जो सब है जो दिखाए सब बाहर में ही लगा हुआ है, अंदर घुसने से पहले यही। तो ये देख सकते हैं ये स्कूटी जो कि धनतेरस में लेने का प्लानिंग है, तो ये भी हमको देख के बहुत ही अच्छा लगा, देखते हैं धनतेरस में ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, लेकिन मेरा चॉइस यही वाला यमा का है स्कूटी, बहुत महंगा प्राइस है लेकिन कोई बात नहीं, इसी को लेने का मेरे विचार में है धनतेरस में। इसके अंदर का क्या क्या सीन है उसको थोड़ा दिखाते हैं, चलिए अंदर तो पहुँच गए हैं, उसका एंट्री गेट है और क्या क्या है, साड़ी वगैरह शॉल जो भी है दिखा दे, साड़ी में तो पूरा शॉल है। सो ये देख सकते हैं साड़ी है, और इधर ये थाईलैंड से लाया गया है सूट वगैरह, बहुत अच्छा लगा ये, मैं उससे इंग्लिश से बात किया लेकिन उतना अच्छा मेरा इंग्लिश में नहीं था कि हम इंग्लिश से उससे बात कर सकें। और ये ज्वेलरी वगैरह है, ये तो हम लोग लोकल का ही है लेकिन वो थाईलैंड, ये बहुत सस्ता पड़ रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, बेडशीट वगैरह कुछ कुछ लाए हैं। और ये देख सकते हैं ये 100 रुपये में साड़ी दे रहा था, 200 में साड़ी है, बहुत ही अच्छा बहुत ही भीड़ था, बहुत तो साड़ी नहीं लाए और प्राय आप देखते हैं ज़्यादा साड़ी का यूज नहीं करते, बहुत कम ही हम साड़ी का यूज करते। वॉशिंग वॉशिंग वगैरह देख सकते हैं, कूलर है, ये है वॉशिंग है, बहुत कुछ था, और टीवी वगैरह भी है इधर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा आइटम था लेकिन हम लोग का लोकल का नहीं था ये, और बहुत बढ़िया है, बड़ा बड़ा फ्रिज था, बड़ा सबसे बड़ा फ्रिज तो यही हमको लगा और अच्छा लगा, वैसे कोई ये नहीं है।
मेला देख के आ गए, आप लोगों को भी दिखाएं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, इतना थक गया, देख सकते हैं कितना पसीना पसीना। ये मेरे समोसे अभी बच्चे इसको देंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में।